सर हम लोग जूस फैक्ट्री की बात कर ही रहे थे कि यहाँ से फोन आया कि यहाँ पे एक इंजेक्शन मिला है। हम लोग भाग के आए तो देखा यहाँ पे एक सिरिंज पड़ी हुई। कहाँ पे है दिखाओ। यस सर, ये देखिए सर। सुधाकर टेक सम फोटोग्राफ। सर इस सुपरवाइजर ने फोन किया था। तुम्हें अचानक ये वाली सिरिंज वहां पड़ी हुई कैसे दिखी? सर हर दो घंटे में हम इस जगह की सफाई करते हैं, तब स्वीपर ने देखा इसे। अरे लेकिन ये सिरिंज फैक्ट्री में आई कहां से? कहां गए थे तुम सारे लोग? सर यहां आज सुबह से ही कुछ ना कुछ हो रहा है फैक्ट्री में। पहले एक वर्कर फिसल कर बाहर गिर पड़ा तो यहाँ के सब लोग भाग कर वहां चले गए। सर तभी शायद कोई आया होगा यहाँ। अभिजीत ये सिरिंज हम फोरेंसिक लैब लेकर चलते हैं। बॉस ये फैक्ट्री जूस बनाने की है या जहर बनाने की? बॉटल्स के ऊपर जूस क्यों लिखते हो? सीधा जहर ही लिख दो और एक खोपड़ी चिपका दो। इस इंजेक्शन में भी वही जहर है जो मालिनी के पेट में और जूस की बॉटल्स में पाया गया। रमणीक जी ये कोई आपकी फैक्ट्री में ही गड़बड़ कर रहा है। जब बॉटल्स में जूस भरा जा रहा है तभी कोई जहर मिला रहा है। ऐसा मत कहिए साहब, फैक्ट्री में तो ऐसा किया ही नहीं जा सकता। जहां बॉटलिंग होती है वहां हमेशा कोई ना कोई तो रहता ही है। मगर इंजेक्शन तो वहीं पे मिला है ना। इसका मतलब है कोई इंजेक्शन से जहर मिला रहा है बॉटल में। दूसरी बात, बॉटल में जब एक बार कैप लग गई तो फिर इंजेक्शन कैसे लगाया जा सकता है बॉटल में? देखिए हमने सारी बॉटल्स अच्छी तरह से चेक की है, कहीं पे भी इंजेक्शन का छेद नहीं। अगर इंजेक्शन लगाया है तो दिखना चाहिए ना। वो ब्लैकमेलर आपको कब फोन करने वाला है? आज ही करेगा, लेकिन कब वो पता नहीं। ठीक है, हमें वापस फैक्ट्री चलना चाहिए, वहीं पे है इस जहर का सीक्रेट। सर इस फैक्ट्री में जबरदस्त प्रॉब्लम चल रही है। ये क्या कह रहे हैं आप साहब? रमणी जी प्लीज आप हमें दो मिनट के लिए अकेले छोड़ दीजिए। लेकिन साहब मेरी फैक्ट्री की बात हो रही है। हाँ ठीक है रमणी जी, लेकिन प्लीज यहाँ ये प्लीज यहाँ। हाँ विजय। सर यहाँ काफी दिनों से कुछ लोगों को पगार नहीं मिली है, लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। गुस्से में किसी ने जूस में जहर मिला दिया है। ओ, पर हो कौन सकता है? सर, दो आदमी अचानक आज काम छोड़कर छुट्टी पे चले गए। यस सर। अच्छा, हमने गेट के रजिस्टर में से उनके नाम निकाले हैं। ओ, सुपरवाइजर। जी सर। जब यहाँ इंक्वायरी चल रही है तो तुमने दो लोगों को जाने क्यों दिया? सर वो दोनों अचानक मेरे हाथ में छुट्टी की एप्लीकेशन देकर चले गए। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ये अचानक कैसे खराब हो गई तबीयत? सर अब आदमी तो आदमी है, बीमार तो हो ही जाता है। लगता है काफी नुकसान हो चुका है। जहर से भरी जूस की बोतल सब जगह फैल चुकी है। सभी दुकानों में, स्टोर्स में और ऐप जू के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन करवाओ, जूस को बिकने से रोको। शारदा डिपार्टमेंटल स्टोर जी, ऐप जू। हाँ जी, हाँ आपका चार अब्जू। क्या सारी की सारी बॉटल्स हटा लूं? और 500 थैंक यू जी, मैं अभी देखता हूं। हाँ अरे चमन। हाँ जी। अभी कोई कस्टमर अब्जू जूस की बॉटल्स लेकर तो नहीं गया? अब्जू का? हाँ हाँ, अभी तक आदमी एफजी का चार बॉटल लेके गया। चार बॉटल्स? क्या काफी बॉटल्स बिक चुकी है? अरे अब बाकी तो रोको, उठा के रखो बाजू में, पेपर में पड़ा था ना, फिर क्यों बेची? हाँ और मत बेचना, बिल्कुल नहीं बेचना, कंपनी वापस ले लेगी, घबराओ मत। हेलो, हाँ कौन है? अरे कौन है तू? सारा सत्यानाश करके रख दिया। कितना? 1 करोड़। अच्छा 1 करोड़ दे दूंगा तो जहर मिलाना बंद कर देगा ना? कहां पे पहुंचा हूं? हाँ हाँ नहीं नहीं जाऊंगा, पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन देख तू। हेलो हेलो
आ गया, फोन आ गया साहब, 1 करोड़ मांग रहा है और कह रहा है कि पुराने नोटों में चाहिए और काले थैले में रख के लाओ। कहां पे लेके आओ, कुछ कहा उसने? हाँ, टैंसियर कंपनी के बाहर वाले कचरे के डब्बे में। सर, जैसा ब्लैकमेलर को चाहिए वैसे 1 करोड़ के नोटों का इंतजाम हो गया है। किसी भी नोट के नंबर एक दूसरे से नहीं मिलते। सर, जो कुछ था मेरे पास सब ले आया। एक तो वैसे भी टेंशन बहुत है, उसके ऊपर से ये पैसे भी चले गए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। पूरे 1 करोड़ है साहब। देखिए, आप घबराइए मत, हम सब लोग होंगे आसपास ही। अरे उसे आने तो दो, फिर बताता हूं उसे 1 करोड़ कैसे मांगे जाते हैं। सर, उसने तो कहा था कि काले थैले में भर के देना। हाँ, हम वही करेंगे। दया, नोटों पे स्प्रे मारो। ये स्प्रे क्यों सर? जो कोई भी इन नोटों को हाथ लगाएगा उनके हाथ नीले हो जाएंगे और कम से कम 1 हफ्ते हाथ नीले रहेंगे। फर्स्ट क्लास। मैं तो ऐसे ही चला रहा था कि रास्ते में मुझे किसी ने 200 रुपए दिए और कहा कि वहाँ पे 2 काले बैग पड़े हैं, उसमें से जिस बैग पे सफेद रंग का निशान हो उसे लेके भाग जाए। मैं भाग गया साहब। निशान? सफेद रंग का निशान है, वहां पे 2 बैग पड़े थे। हाँ साहब, 2 बैग थे वहां पे। मतलब उसने 1 बैग पहले से वहां फेंक रखा था, ये वाला। पैसे नहीं है, दूसरा बैग था ना वहां पे? हाँ साहब, था वहां पे। दे जल्दी चलो, क्यों उठा के लेने गया हो?
वो काला वाला बैग है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे कुछ नहीं है। पैसों का बैग लेके इसी बीच में रमणीक भाई को क्या मुंह दिखाएंगे? वो मर जाएगा ये खबर सुन के। बॉस, 1 करोड़ का सवाल है। किसने दिया था? किसने दिया था पैसा? उधर एक आदमी था साहब, उसने बोला था साहब। यस सर, सर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई सर। हाँ सर, वो बैग गया, वो कुछ हो गया सर। यस सर, ठीक है सर, हम लोग आते हैं। इतनी जल्दी बैग गायब हो गया? सर वहां पे उसने पहले से एक काला बैग छुपा के रखा हुआ था। एक रैक पीकर वो बैग उठा के भागा, हमें लगा वही है, मगर उस बैग में सिर्फ कपड़े और पत्थर निकले और पीछे से वो दूसरा थैला लेके भाग गया। मैंने रमणीक के सामने ये बात नहीं बताई कि काले प्लास्टिक बैग में हमने एक ट्रांसमीटर छुपाया हुआ है, नहीं तो सुन के ही घबरा जाता। अब ये बैग जहां जहां जाएगा उसमें से सिग्नल्स निकलते रहेंगे और हमें पता चलता रहेगा कि वो बैग कहां कहां ले जाया जा रहा है। सर देखे जरा कहां जा रहा है। हाँ वो आदमी किसी गाड़ी में बैठा है, काफी तेजी से जा रहा है बांद्रा की तरफ। दया जल्दी से गाड़ी बांद्रा की तरफ ले लो। अरे वो बांद्रा क्रॉस कर गया है, सांता क्रूज की तरफ जा रहा है। दया दया गाड़ी सांता क्रूज की तरफ ले लो। अरे वो एक जगह रुक गया है, शायद ठक्कर रोड है। दया ठक्कर रोड ले लो। दया राइट लो, राइट राइट राइट। रुको रुको रुको, सिग्नल दूर जा रहा है, रिवर्स लो और लेफ्ट ले लो। सर अभी इसी रोड पे आगे ही कहीं है, पास आता जा रहा है, पास आता जा रहा है। बस 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 यहीं पे रोको, यहीं पे रोको। यही बिल्डिंग लगती है, तुम हेडफोन पहन लो, मोबाइल से टच में रहूंगा और ये रिसीवर भी साथ में लेके जाओ, मैं बताता रहूंगा। जैसे रिसीवर बैग के पास पहुंचेगा यहां आवाज बढ़ती जाएगी, मैं मोबाइल पे बताता रहूंगा कहां जाना है। ओके ओके। सब फ्लैट्स बंद हैं सर, हम लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और ऊपर जाके देखो। सिग्नल स्ट्रांग है, सिग्नल बढ़ता जा रहा है। और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर। भी बढ़ रहा है, वो ऊपर ही है। ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। हम लोग टेरेस पे पहुंच गए सर। टेरेस पे, टेरेस पे जाके देखो। यहां पे कोई नहीं है सर, टेरेस एकदम खाली है। बीप एकदम स्ट्रांग है, वहीं पे होगा वो। ऐसा नहीं है, सिर्फ ट्रांसमीटर है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आओ।
हाँ आशा, क्या काम हुआ? तुमने रमणी की इंक्वायरी की क्या? वो कंपनी का मालिक नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टर है। अच्छा, थैंक्स आशा, वेरी गुड वर्क। सही है, देखिए सिर्फ पेपर मिला है। कोई बात नहीं, अभी अभी पता चला है कि रमणीक कंपनी का मालिक नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टर है। सिर्फ एक डायरेक्टर? मैंने आपसे पहले भी कहा था सर कि ये 1 करोड़ रुपए गए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अब क्या करें रमणीक भाई, हमने तो पूरी कोशिश की थी। कोशिश की? मैं तो 1 करोड़ रुपया देने भी नहीं वाला था, ये तो आपने कहा कि आने तो दो जरा उसे। अब होता है कभी कभी ऐसे, दुश्मन होशियार निकलता है। हाँ सर, एक रैक पिकर पैसों का थैला लेके भागेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपके 1 करोड़ गए होते ना तो आप ऐसे खड़े खड़े हंसते नहीं यार। अरे रमणीक भाई रो मत यार, पैसे है हमारे पास, तो ऐसा कहो ना है। हाँ। देख पैसे लेकर आओ सर। अंदर अंदर गए पैसे। ओ मिस्टर ठीक भाई, घबरा क्यों रहे हैं? मिल जाएंगे आपके पैसे। क्या कर रहा है? पैसे ही लेने गए हैं। निकल निकल चल, निकल बाहर निकल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल चल, क्यों इतनी तर? नहीं नहीं, हाथ नीले कैसे हुए? नहीं, क्यों उठाए पैसे? इन्होंने कहा था। अबे चोर, मेरा ही नौकर मेरे ही पैसे चुरा कर मेरे ही घर में लाता है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद। अबे वो थाली एक चाप मुंह खोल। मैं अब जो कंपनी का मालिक नहीं हूं, मैंने 30 साल नौकरी की, कंपनी को आसमान तक पहुंचा दिया, मैंने कंपनी के पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए, मार्केट डूब गई, कंपनी भी गई, अब मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका जा रहा है। वफादारी की ये कीमत? मैं कहां जाऊंगा? ईट से ईट बजा दे जाऊंगा, कोई नशे में भी इस कंपनी के जूस को हाथ तक नहीं लगाएगा, भिखारी बना दूंगा सबको। मुझे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। मिल जाएंगे मिल जाएंगे, अब तुम चुपचाप जेल चलो, वहां 1 करोड़ रुपए की डिलीवरी हम करें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।